ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए अगले 100 दिनों में नई ऊर्जा, जोश और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कल होगा। रायपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कंपनी कमांडर की हत्या की। इसी जिले में 8 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज आज पंचतत्व में विलीन हो गए। डूंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अगले 5 वर्षों में विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग लगानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता में वापसी की पहली शर्त यह है कि वह सभी लक्ष्यों को हासिल करे। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन संबोधन में कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले लोकसभा चुनाव के लिए अगले 100 दिनों में नई ऊर्जा, जोश और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाज के प्रत्येक वर्ग के पास जाना होगा और उनका विश्वास जीतना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें जीतने के लिए 370 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों महिलाओं, गरीबों और युवकों का सपना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के तीसरे कार्यकाल की बात राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के लाभ के लिए कर रहे हैं। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों, पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों सहित करीब 11,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ कल 19 फरवरी को होगा। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देशभर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है। इसमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को कबीरधाम जिले के महाराजपुर स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर जनबेजय महोबे ने तैयारियां का जायजा लिया। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण कार्यो की आधारशिला वर्ष 2017 में रखी गई थी। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं तक संचालित है, जिसमें 486 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में आउटडोर स्टेडियम परिसर में संचालित हो रही है। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति कृषि और वनों पर आधारित होगी, जिससे प्रदेश के किसानों और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक ग्लोबल समिट में उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति से कृषि उत्पादन के मूल्य संवर्धन में वृद्धि हो सकेगी। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कंपनी कमांडर की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सीएएफ के कंपनी कमांडर तेजऊ राम भू आर्य और प्रधान आरक्षक श्याम बिहारी कुछ स्टाफ के साथ सब्जी लेने निकले थे। इस दौरान दो अज्ञात माओवादियों ने कंपनी कमांडर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। बाद में अतिरिक्त बल पहुंचने पर दोनों माओवादी भाग गए। मृतक कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर का रहने वाला था और वर्तमान में वह कुटरू थाना क्षेत्र के जयगुर शिविर में पदस्थ था। इस बीच शहीद कंपनी कमांडर तेजऊ राम भू आर्य को बीजापुर के नया पुलिस लाइन में सलामी और श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक माओवादी अभियान
विवेकानंद सिन्हा सहित पुलिस और सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 8 माओवादियों ने आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में सुरक्षा बलों के प्रयास से पहली बार तिरंगा लहराया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी कमांडर हिड़मा की मां से भी मुलाकात की। जवानों ने हिड़मा की मां को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि पुवर्ती गांव में माओवादियों ने अपना मुख्यालय बना रखा था, जिसकी वजह से ग्रामीण गांव छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी लोगों से गांव वापस लौटने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज पंचतंत्व में विलीन हो गए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं महाराज के असंख्य श्रद्धालुओं के साथ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने शोक संदेश में कहा कि विश्व कल्याण के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समर्पण अविस्मरणीय है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा है कि आचार्य विद्यासागर महाराज का देश और समाज के लिए योगदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। इस बीच आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निधन पर राज्य सरकार ने आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। गौरतलब है कि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बीती रात चंद्रगिरी तीर्थ में अपना शरीर त्याग दिया था। वे काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और बीते 3 दिनों से अन्न जल का त्याग कर उपवास पर थे। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सलगा गांव में हुआ था। वे काफी लंबे समय से डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान थे। इस बीच आचार्य विद्यासागर महाराज के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 6 लोग एक गाड़ी में सवार होकर आचार्य विद्यासागर महाराज के अंतिम दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के सतना जिले से डोंगरगढ़ के लिए निकले थे। इस बीच गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के पनगांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पुजारी टोला नहर में जा गिरी। पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। इधर दुर्ग के बोरसी चौक पर बीती शाम हुई सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई। प्रदेश कांग्रेस ने महतारी वंदना योजना की फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि में 15 दिन और बढ़ाने की मांग की है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 1,03,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं, लेकिन समय कम होने से अधिकांश महिलाएं फॉर्म भरने से वंचित रह गई हैं। इस कारण फॉर्म जमा करने की तिथि को 15 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा आगामी 24 फरवरी को एक दिवसीय क्रिएटर्स मीट अप का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन ऑडिटोरियम में होगा। जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि मीट अप में सुशासन की स्थापना में सोशल मीडिया का महत्व, नई सरकार से युवाओं की उम्मीदें और सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रायशुमारी की जाएगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर भी आमंत्रित किए गए हैं जिन्होंने प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स का सम्मान भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पर्यवेक्षक बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को अंबिकापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले इन 3 लोगों पर बीते 1 साल से धनबाद, रांची, गुमला, बोकारो, जशपुर और पत्थलगांव जैसे क्षेत्रों से करीब 150 ग्रामीणों से लगभग 30,00,000 रूपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 1 टैबलेट और 24,000 रूपये नकद बरामद किये हैं। इधर राजनांदगांव जिले में ऑनलाइन में रकम निवेश कर अधिक राशि दिलाने के नाम पर एक युवक से 11,00,000 रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। बसंतपुर पुलिस पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी कंपनी के विरुद्ध जांच कर रही है। रायपुर प्लस क्लब के लिए कल हुए चुनाव में प्रफुल्ल ठाकुर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 6 पदों पर 27 प्रत्याशी मैदान पर थे।
प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबले में संकल्प और संगवारी पैनल ने अपना कब्जा जमाया। उपाध्यक्ष पद पर संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष पद पर रमन हलवाई और संयुक्त सचिव पद पर बमलेश्वर सोनवानी ने जीत दर्ज की है। वहीं संगवारी पैनल से महासचिव पद के लिए वैभव शिव पांडे और संयुक्त सचिव के लिए तृप्ति सोनी ने जीत हासिल की है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। महासमुंद जिले की कोतवाली और सिंघोड़ा पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 1,07,00,000 रूपये से अधिक का करीब 214 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कल 19 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए अगले 100 दिनों में नई ऊर्जा, जोश और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कल होगा। रायपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कंपनी कमांडर की हत्या की। इसी जिले में 8 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज आज पंचतत्व में विलीन हो गए। डूंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।